अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक्सेस, अपनी जो फाइल थी वह ओपन करते हैं, ये थी। ठीक है, तो हमने आपको कल क्या बताया था, फिल्टर बता दिया था और ये सारे ऑप्शंस भी बता दिए थे और इसको हमने रिपोर्ट विजार्ड बता दिया, आ गया था। आज अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्यूरी विजार्ड। क्यूरी विजार्ड आपके चार टाइप्स के होती हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चारों टाइप्स मिल जाते हैं। कौन कौन से, सिंपल क्यूरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्यूरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड एंड फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजार्ड। अब इनमें क्या होता है, सिंपल क्यूरी विजार्ड बिल्कुल आपकी वैसी ही रहती है जैसे आप यहाँ पर टेबल डिजाइन करते हैं उस टाइप की, बस डिफरेंस इतना रहता है कि आप यहाँ पे ये टेबल लिए, इसमें आपने देखिए क्या क्या फील्ड लिए हैं, आपकी आईडी नेम फादर नेम बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये तो किस लिए है, जब अपने को ज्यादा इन्फॉर्मेशन का डाटा लेना होगा तब के लिए है, लेकिन नॉर्मल डाटा के लिए इतना सारा डाटा देखना पड़ता है आपको, आप चाहते हैं उसे हम शॉर्ट में शो कराएं तो आप किसका यूज कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल क्यूरी का। जैसे कि आप चाहते हैं नेम फादर नेम मोबाइल नंबर और कोर्स नेम, बस हमें इतनी फील्ड लेनी है, तो अपन इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपन क्रॉस यहाँ पे क्यूरी विजार्ड क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपन लेते हैं सिंपल क्यूरी विजार्ड, ठीक है, और ओके करते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अभी एक टेबल है, इसलिए यहाँ पे एक टेबल का नाम बता रहा, और क्यूरीज है आपके पास, क्यूरी में से डाटा लेना तो वो ले सकते हैं आप, अदरवाइज अपन टेबल से ले लेते हैं। अब टेबल में हाँ ये, अब यहाँ पे आप देख रहे सेलेक्टेड फील्ड आ रहा है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है फील्ड, तो क्या क्या फील्ड आपको यहाँ पे सिंपल क्यूरी में लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी लिया, नेम फादर नेम मोबाइल नंबर और हमने बोला था कोर्स, इतना डाटा हम अलग से शो कराना चाहते हैं, तो हमने इतनी फील्ड सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं इसको वो आप यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल दे देते हैं, सिंपल क्यूरी दे दिया है और आप हमें फिनिश करेंगे। तो देखिए आपका प्रीव्यू वैसा ही है जैसा आपने यहाँ पे टेबल को डिजाइन किया हुआ था, बस इतना है कि उसमें आपकी बहुत सारी फील्ड्स थी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन थी उसमें आपकी, इसमें आपने सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन ली है। तो इस टाइप से ये क्या होती है आपकी यहाँ पे, क्रॉस टैब क्यूरी। फेज नहीं, इनके अंदर और भी ऑप्शंस दिए होते हैं, आप स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपको फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म विजार्ड में चार टाइप्स होते हैं, उनकी भी कुछ प्रोसेस होती है कि फर्स्ट में आप क्या क्या मतलब टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर फील्ड सेलेक्ट करते हैं, सेकंड में आप उसे क्या क्या लेना चाहते हैं, मतलब चार टाइप्स के फॉर्म रहते हैं उसमें कौन सा टाइप का बनाना चाहते हैं, फोर्थ में फिर आपको कुछ नाम देना हो, इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप रहते हैं इनके अंदर। अब नेक्स्ट क्या है इसमें आपका, क्रॉस टैब क्यूरी विजार्ड, इसका यूज कब होता है, जब आप यहाँ पे ज्यादा एंट्रियां होती हैं आपके पास, ठीक है, और आपको मान के चलिए कोई बाय मिस्टेक आपसे कोई डबल एंट्री हो जाती है, तो आपको देखना है कितनी बार एंट्री हुई है आपकी, 3 बार भी हो जाती है, 4 बार भी हो जाती है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, ऐसे अपन क्लोज कर देते हैं, सेव करिए और क्लोज किया अपन, जो अपने टेबल है इसमें अपन कुछ डबल एंट्री कर लेते हैं। अब आईडी तो अपन डबल ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने किसका यूज किया है, प्राइमरी की, और प्राइमरी की का अगर अपन यूज करते हैं तो आईडी अगर आप यहाँ पे दोबारा बन लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेक्स्ट एंट्री आपको वो करने ही नहीं देगा, तो अपन 9 ही रहने देते हैं, जैसे तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली ही एंट्री लेते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है कि वो आपको यहाँ पे क्या डबल एंट्री एक्सेप्ट नहीं करने देता है। तो ये है, हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ले ली, इतनी रहने देते हैं अपन, और एक और स्टूडेंट की कर लेते हैं किसी की। ये अपन ने एंट्री करनी है, ठीक है, दो स्टूडेंट की करनी है अपन ने। अब अपन को पता नहीं है कि इसमें किसकी एंट्री डबल है, नहीं है पता आपको, अपन इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अपन डुप्लीकेट का भी तो यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेट का आप कर तो सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि कितनी बार की गई है और कहाँ कहाँ पे की गई है, वो नहीं देगा। लेकिन अगर आप क्रॉस टैब का यूज करते तो वो आपको बता देगा कि किस आईडी नंबर पे आपकी डबल एंट्रियां की गई और कितनी बार की गई है, वो भी बता देगा। अपन इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आपकी कुछ प्रोसेस रहती है, तो आपको एक प्रोसेस में एक ही स्टेप फॉलो करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे,
सेकंड में अपन यहाँ पे नाम लेना होता, तो यहाँ पे ये नाम सेलेक्ट करके सिलेक्टेड फील्ड ले गए अपन, क्योंकि अपन यहाँ पे नाम आ जाएंगे। फिर अपन यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपन आईडी ले लेंगे कि अपन आईडी से चेक करना चाहते हैं कि किसकी डबल डबल एंट्री है, तो अपन आईडी ले लेंगे इसमें, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आप नाम दे देंगे जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, ये क्रॉस टैब है, अपन यही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, और अपन इसके करेंगे यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो देखिए उसने यहाँ पे बता दिया कि आरती नाम की एंट्री दो बार टोटल काउंट में दिया आपने, टोटल ऑफ है, मतलब यहाँ पे देखिए इन सभी के तो बन बन लिखा है, इनकी एक ही बार एंट्री है, लेकिन एक आरती नाम में टू लिखा है और एक मोनिका नाम में टू लिखा है, ठीक है, दो बार एंट्री है, उसने काउंट करके दे दिया। अब कहाँ कहाँ पे एंट्री है उनकी वो बताएगा आपको। आईडी नंबर वन पे है उनकी एंट्री, किसकी, आरती की। फिर आईडी नंबर टू में रही है दोनों की, आईडी नंबर थ्री में किसकी है, मोनिका की। तो एक एक बार हुआ है दोनों का। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कहीं पर लिखा है कि अपन नहीं लिखा, अपन नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक एक यहाँ पे लिखा है, देखिए एक तो यहाँ लिखा है और एक यहाँ लिखा है, तो डबल हो गई उनकी एंट्री। किस किस आईडी पे लिखा है, 9 और 10, हाँ 9 और 10 में लिखा, एक तो 9 और 10 में लिखा है, दूसरा आपका 3 और यहाँ पे 1 में लिखा है, दो दो बार हो गई उनकी एंट्री। अब आप इस टेबल में चेक कर सकते हैं कि 9 नंबर कहाँ पे है, ये है, और 1 नंबर कहाँ पे है, ये है, मतलब यहाँ पे इसकी डबल एंट्री की गई है, ठीक है, और 10 नंबर कहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे 3 नंबर ये है। तो यहाँ पे वो उसके काउंट करके भी देगा और कहाँ कहाँ पे आपकी डबल एंट्री की गई है वो भी बता देगा आपको, तो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, क्रॉस टैब। नहीं, हमने इक्वल नहीं किया कुछ भी, हाँ डबल नहीं, वो पूरा काउंट करके देता टोटल कितनी एंट्री, डबल करके नहीं, उसमें डबल नहीं बताता वो। यहाँ पे आपको उसने बताया था पूरा आपके पास 7 एंट्रियां थी, क्योंकि अपने ये 2 एंट्रियां नहीं की थी कल, याद ही की है अपन, तो उसने टोटल यहाँ पे करके दिया था 7। अच्छा हो सकता है, हाँ उसमें सम था ना यहाँ पे, ये वाला, चलिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहता है आपका, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड। डुप्लीकेट मतलब जो डबल एंट्री होती है आपकी, सेम एंट्री होती, अपन ने 2 एंट्रियां की है इसमें सेम, अपन यहाँ पे कर देंगे, इस पे क्लिक किया, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे अपने टेबल में है डाटा, तो टेबल सेलेक्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या क्या फील्ड देखनी है, इसमें आईडी नेम फादर नेम ये देखना है, नेक्स्ट। फिर यहाँ से अगर आप प्रोसेस हम दोनों टाइप से करके बता देंगे, अभी हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले रहा, नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से भी ले लेंगे कुछ स्कूल से फील, नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आप उसको यहाँ पे दे देंगे नाम दे देंगे, जो भी आपको नाम देना, उसने अपन यहाँ पे लिया है फाइन डुप्लीकेट, अपन यही रहने देते हैं, नेक्स्ट फिनिश करेंगे। देखिए उसने आपको यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, अब अपन इस पर क्लिक करेंगे और फाइन डुप्लीकेट ले लेंगे, क्यूरीज ले लेंगे अपन यहाँ पे, टेबल नेक्स्ट, यहाँ से अपन यहाँ पे फील सेलेक्ट करें, अपन यही तीनों की थी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ले लेंगे, अपन नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ से आप फिनिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे बता नहीं रहा है डुप्लीकेट एंट्री, क्यों, क्योंकि आपने जो एंट्री ली है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद आपने कुछ भी यहाँ पे सेम नहीं लिया है, तो वो नहीं बता पा रहा है आपकी एंट्री, वो समझ ही नहीं पा रहा कि आप इन्हीं की बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ पूरी एंट्री फिल कर देंगे तो वो आपको बता देगा यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल क्रिएट करते हैं, फिर अपन उसमें 2 एंट्रियां कर लेंगे, इसे हम डिलीट कर देते हैं। और एक और कौन सी थी अपनी, ये थी कि अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल लेते हैं जिसमें अपन नॉर्मली नाम ले लेते हैं, एंटर किया हमने, और यहाँ पे फादर नेम और अपन मोबाइल नंबर ये ले लेते हैं, ठीक है, दोनों फील। अब अपन क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं। सेव किस नाम से करना चाहते हैं, अपन इसे टेबल बनी रहने देते हैं, ओके करते हैं और इसे यस कर देंगे। अब आप इसमें डाटा फिल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेंगे अपन, ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे आप। मोबाइल नंबर में शॉर्ट टेक्स्ट में लेते हैं, हाँ 10 ले लेता है, हाँ अगर आप 9 में लेते